नमस्ते दोस्तों, कुक विद वैभवी में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं गाजर की खीर, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। आप ये रेसिपी घर पे जरूर ट्राई कीजिए। बच्चों को और बड़ों को, सभी को ये जो खीर है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी, और ये बनाना भी बहुत ही आसान है। आप घर पे आसानी से ये खीर बना ही सकते हो, तो आप सभी को ये खीर खिला के इम्प्रेस कर सकते हो। तो कुछ टाइम न लगाते हुए हम स्टार्ट करते हैं। अब हम एक पैन में घी लेंगे। मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून घी ली हूँ। वो घी को गरम होने देंगे। गरम होने के बाद हम इसमें 1 कप मिल्क ऐड करेंगे और उसको उबाल आने तक पकाएंगे। तो अब हम एक उबाल आने के बाद पैन में मिल्क पाउडर डाल देंगे और इसको कंटिन्यूसली घुमाते रहेंगे, ताकि नीचे से लगे ना और जले ना। इस बात का ध्यान रखते हुए हमें इसे कंटिन्यूसली घुमाते ही रहना है। इस तरीके से हमें इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए, जिस तरीके से मैंने बनाया है। अब हमारा ये जो मिल्क पाउडर का जो मावा है वो रेडी हो गया है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून घी ली हूँ। घी गर्म होने के बाद हम इसमें काजू और किशमिश अच्छे से फ्राई कर लेंगे और उसे अलग निकाल देंगे। मैंने यहाँ पे गाजर जो कद्दूकस की थी वो डाल दूंगी, और जब तक ये गाजर जो है वो सॉफ्ट नहीं हो जाता है, जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, तब तक हमें इसको अच्छे से पकाना है घी में। अब हम इसमें 1/2 लीटर दूध डाल देंगे और अच्छे से पकाएंगे जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता। उबाल आ गई है। अब हम इसमें जो मावा बनाया था मैंने मिल्क पाउडर का, वो डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे शक्कर ली वो डाल देंगे। आपको जितना मीठा चाहिए आप उतना मीठा यहाँ पे कर सकते हो। अब इसमें हम कार्डमम पाउडर, इलायची पाउडर जो है वो डाल देंगे और अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमें इसे 10 मिनट तक उबालते रहना है, पकाना है, ताकि जो खीर है वो अच्छे से गाढ़ी हो जाए। तो तब तक हमें इसे पकाना है। तो लीजिए, हमारी खीर रेडी है। अब हम इसे एक बाउल में सर्व करेंगे और सबको खिलाइए, सबको इम्प्रेस कीजिए। मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए, और नीचे जो बेल आइकन है उसको हिट कीजिए, ताकि मेरे नोटिफिकेशन्स आपको आते रहे। थैंक यू एंड बाय बाय।